शराब की लत, समस्या और इलाज, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। अल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा व्यसन मुक्ति हॉस्पिटल अकोला में है, जहाँ हम पेशेंट्स को बिना रिलेटिव्स, बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल की लत, यह एक रियल बीमारी है, सीरियस बीमारी है और इसका इलाज करना जरूरी है। हर शराबी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे क्या हो गया, मैं तो शराब कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ शराबी नहीं हूँ, ऐसा हर व्यक्ति बोलते रहता है और इलाज करता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो घर के लोग उसको पकड़ के लाते हैं, फंसा के लाते हैं, बोलते नहीं हैं और लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, उसको ज़बरदस्त दाखिल करना पड़ता है क्योंकि वो वायलेंट है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है या फिर सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम उसको हो जाता है। अल्कोहल एडिक्शन मतलब शराब की लत का कारण क्या है? कारण बोलते हैं कि ये मानसिक कारण की वजह से ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वंश परंपरा ये चलते आ रहा है, मतलब पिताजी को है, उनके पिताजी को है तो जेनेटिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये शारीरिक बीमारी है, तो ये बीमारी है इतना पक्का है और इसका कारण क्या है मालूम नहीं है कि भाई क्यों ऐसा होता है। इतना पक्का है कि कुछ लोग भाई चलो करके देखते हैं, किक आती है, फिर अपने दोस्तों में रहते हैं तो ले ले कुछ होता नहीं है, अरे तू क्या बायला है क्या, अरे तू ही मैन है, पुरुष जो है, मर्द जो है वो शराब लेता है, मतलब ऐसे चिढ़ाते हैं। या कुछ लोगों को टेंशन है, प्रेशर है, फिर वो मालूम है कि भाई शराब लेते तो वो जरा प्रेशर रिलीज हो जाता है, रिलैक्स लगता है, तो उसके लिए लोग लेते हैं, तो इन्हें उनको एडिक्शन हो जाता है। और एडिक्शन एक बार हो गया तो फिर उसको लेना ही पड़ता है। तो कुछ लोग डेली लेते हैं शराब, उनको लेना ही पड़ता है। या कुछ लोग फिर बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब कुछ दिन लेंगे, कुछ दिन नहीं लेंगे। अब इसके जो लक्षण है वो लक्षण क्या है कि भाई क्या समझना कि वो शराबी है या लत लगी हुई है? एक तो ऐसा है कि रोज़ शराब की उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट, वो बढ़ते जाती है और शराब लेने की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ते जाती है। मतलब पहले 2 बार लेने वाला अभी 3 बार लेता है, पहले 150 ml लेने वाला अभी 200 ml लेगा, मतलब इस तरह का वो बढ़ते जाता है और उसका टॉलरेंस भी बढ़ता है। फिर दूसरा जो है वो है कि वो मॉर्निंग से शुरू हो जाता है, सुबह से चालू हो जाता है और जहाँ पीना नहीं चाहिए वहाँ भी पीता है। जैसा कहीं भी, मतलब ऑफिस में पिएगा, जॉब पे पिएगा, धार्मिक स्थल जो है वहाँ भी पी सकता है या कहीं भी पी लेगा, उसको कुछ ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। नंबर 3 कि जहाँ जो सिचुएशन में उसको पीने का मौका आता है वहाँ वो पहले चले जाएंगे। मतलब दोस्त है, पार्टी है, मालूम है कि वेट पार्टी है तो पहले चले जाएंगे वहाँ, या मालूम है कि आज अड्डा बैठने वाला है तो वहाँ चले जाएंगे। नंबर 4 वो ऐसे दोस्त को सिलेक्ट करेगा जो पीने वाले हैं, वो इसके दोस्त रहेंगे और वो एक भी कॉल आ गया तो बस चलो आज मजा करते हैं बोले तो निकल जाएंगे। नंबर 5 अपने जो पारिवारिक लोग हैं उनसे कांटेक्ट अवॉइड करेगा, या जो पीते नहीं हैं उनसे कांटेक्ट, या जो प्यार के लोग हैं उनसे कांटेक्ट अवॉइड करना चालू कर देगा। नंबर 6 वो शराब पीता है ये छुपाएगा, वो शराब छुपाएगा या ऐसी जगह पिएगा कि जहाँ लोग आएंगे नहीं, घर के लोगों को मालूम नहीं होगा, लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह वो छुपाएगा और शराब पिएगा। नंबर 7 उसको डेली काम करने के लिए उसको शराब की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसका दिन ही शराब से शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ वो शराब पिएगा नहीं तो उसको जमेगा ही नहीं, कोई काम नहीं कर सकेगा, हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे, पसीना आएगा, घबराहट होंगी, नींद नहीं आएंगी, या फिर कोई काम चालू करना है तो उसके पहले उसको शराब मारना पड़ता है। एक जैसा ड्राइवर है तो उसको पहले लेना पड़ता है, बाद में ड्राइविंग शुरू हो जाएगी। या गौंडी मिस्त्री का काम कर रहा है तो लेना पड़ता है, बाद में वो काम कर सकता है, तो कोई काम करने के लिए उसको लेनी पड़ती है तभी वो काम कर सकता है। नंबर 8 उसको लिथार्जी आती है या डिप्रेशन आ जाता है, मतलब उसको लगता है कि अभी सो जाओ, ज़्यादा काम नहीं करना है, या नर्वस डिप्रेस हो जाता है शराब की वजह से। नंबर 9 कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर शुरू हो जाती है, कभी उसका जॉब चले जाएगा, शराब पीता है ऑफिस में करके या पी कर आता है, या उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ऐसा भी होता है। अब क्या है कि ये लोग कहीं रास्ते पे गिर जाएंगे, कहीं मार खाते हैं क्योंकि पीते, बाद में पैसे देते नहीं, होटल में जाएंगे वहाँ धिंगाना करेंगे तो वहाँ फिर पुलिस आएंगी पकड़ लेगी, यहाँ कहीं गिर जाएंगे रास्ते पे तो बेवारस करके लोग उठा के उनको पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, या फिर झगड़ा झंझट करेंगे वहाँ पकड़े जाएंगे, दोस्तों के साथ में झगड़ा झंझट करेंगे, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो लीगल इसमें पकड़े जाते हैं। एक तो वो होता है, या फिर घर में बहुत बर्बादी हो जाती है, घर का सब सामान सुमान बेचना, पैसे नहीं रहना, फिर घर के लोग परेशान हो जाते हैं उसको पकड़ के लेके आएंगे, या फिर उसको पीलिया हो जाएगा या डायबिटीज़ हो गया या कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो गई कि जिसके वजह से अभी हिल नहीं सकता है, खाना पीना छूट गया, वजन कम हो रहा है,
नींद नहीं आ रही, फिर उसको उठा के लेके आएंगे। मतलब ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि जो स्वस्थ है, फिजिकली बहुत फिट है और शराब छोड़ने के लिए आए, ऐसे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो इनका खान पान कम हो जाता है, लीवर के ऊपर सूजन आती है, किडनी के ऊपर सूजन आती है, सीरम क्रिएटिन बढ़ जाता है। तो ऐसे सभी तरह से जो पीटे जाता है, मानसिक, शारीरिक, ब्रेन के ऊपर असर, पारिवारिक, जहाँ फाइनेंशियल लॉसेस है, वहाँ से उठ नहीं पा रहा है, ऐसे सभी तरह से मार खाने के बाद में फिर वो ट्रीटमेंट के लिए राजी होता है या फिर लोग पकड़ के हमारे पास में लाते हैं। जब उसको हम देखते हैं, तपासते हैं, तो एक तो फिजिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है, और फिजिकली ट्रीटमेंट में उसको हाथ कांपना है या फिर कोई शारीरिक बीमारी, तो उसका इलाज पहले करना पड़ता है। नींद के लिए उसको नींद की दवाई देनी पड़ती है, और फिर आईवी फ्लूइड्स दे दो, क्योंकि खाना पीना समझो बंद हो चुका है 4-5 दिन से, तो उसको आईवी फ्लूइड दे दो, हाइड्रेट उसको अच्छा करो। ट्रीटमेंट विड्रॉल के देना पड़ता है, उसका वीडियो हमारा अलग है। और विड्रॉल ट्रीटमेंट देने के बाद में फिर उसके ऊपर हम साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, एवर्शन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ऐसे इलाज करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। यह पेशेंट को यदि रिलेटिव्स रहने को तैयार है तो हमारा ओपन हॉस्पिटल है, वहाँ हम पेशेंट को रखते हैं, और रिलेटिव रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले झगड़ा, झंझट, बुराईपन इतनी आ जाती है कि रिलेटिव रहने को तैयार रहते नहीं है, बोलते नहीं भाई हमको अकेला डाल के हमको निकल जाना है अभी, तो फिर उसको अकेला रखते हैं उसकी कंसेंट के साथ, और फिर उसका इलाज हम करते हैं। उसमें फिर मेडिटेशन का इलाज, एक्सरसाइजेस, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, ऐसे सभी काउंसिलिंग हम करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, और पेशेंट को अच्छा करके उसको रवाना करते हैं। एवर्शन थेरेपी में उसको हम डाइसल्फिराम की दवाई देते हैं कि जो गोलियाँ रोज़ वो लेता है, तो वो शराब पीता नहीं है फिर, और पिएगा तो उसको उल्टियाँ हो जाती है, रिएक्शन आती है। तो इस तरह का इलाज आपके इर्द गिर्द के लोगों को करवाने का है, आपको लगता है कि करना चाहिए उनको जरूर वीडियो शेयर करो। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो तंग आ चुके हैं, उनको मालूम नहीं कि इलाज कहाँ करना चाहिए। यह मानसिक बीमारी है, बीमारी और मानसिक बीमारी है, तो उसका इलाज साइकेट्रिस्ट ही अच्छा कर सकता है। उसको जो भी डिफिशेंसी है, वो डिफिशेंसी के हम टॉनिक्स वगैरह देके वो भी ठीक करते हैं, और जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसको भी हम ठीक करते हैं। तो जरूर लोगों को वीडियो शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।